घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आलाप, ये जो अभी मैंने लिया इसको आलाप कहते हैं, यानी स्वरों को आकार में बोलना, शब्दों में ना बोलकर आकार, यानी आ अक्षर जो है उसको लिया और उसमें हम पूरे स्वरों को गाते हैं। गले में वही नोट्स लग रहे हैं, अगर आपको बोला ये जो मैंने नोट्स लगाए, अब जाहिर है इसमें कण और वो स्पर्श लगते हुए चल रहे थे, तो वो बोलते नहीं है, उन स्वरों को बोलते नहीं है, स्वर पूरे पूरे बोले जा रहे हैं, परी सा गाने ने पसा, लेकिन जो इसके स्पर्श स्वर लग रहे हैं वो आकार में साफ दिखते हैं। अब यहाँ सा का स्पर्श था, मैंने बोला परी सा, लेकिन ये क्या था, पसाने, लेकिन वो हल्का वहां हरकत कुछ नहीं है, वो एक मीड़ है, हल्की सी मीड़ है, या यूं कहो स्पर्श है वो। नी लगा तो सा को टच होके, सा लगा तो रे को टच होके, रे सीधा लगाया, प सीधा लगा था, प सीधा, फिर नी सा को टच करके, रे को टच करके सा लगाया, रे सीधा, ग लगाया तो म को टच करके, नी भी लगाए तो सा को टच करके, तो ये आकार में उन्हीं स्वरों को, जो स्वर लिपि मैंने अभी बोली, जो स्वर समूह मैंने बोला, उसी को आकार में लिया, इसको आलाप कहते हैं। ठीक है, ये तो चलो हो गई परिभाषा या उसके बारे में। अब देखने वाली बात है कि आलाप लेते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिनसे कि आपका आलाप आकार में लगेगा। कई चीजें होती हैं जब हम आलाप लेते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन, साउंड मॉड्यूलेशन, और कई बार हम क्या करते हैं, जो अक्षर हमने आलाप लिया है आकार में, तो वो आ की जगह कुछ और हो जाता है। कई बार आलाप जो होते हैं उनमें नोम तोम के शब्द आ जाते हैं, जैसे कई जो, क्योंकि अगर आप क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप थोड़े नोम तोम के आलाप लेते हैं, जैसे कि मैं अगर आलाप लेता हूं तो इन जनरल मेरे जो भी आलाप होते हैं गीतों में या उसमें, तो मैं नोम तोम का ऐड करता हूं ना, जैसे रे ना दे रे ना, ये मेरे ज्यादातर आलाप में ऐसा आता है। अब मैंने रे लिया तो वहां आप बोलो कि वो तो आकार ही होना चाहिए था, तो अगर मैंने रे लिया है तो उसकी आस तो ए है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको आकार नहीं कहोगे, एकार कह दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर नोम तोम का आलाप ले रहे हैं तो उसमें फिर रे ना त ये शब्द यूज आते हैं, त दानी ये सब, लेकिन जहां आपको कहा जाए कि प्योर आलाप लेना है, सीधा सीधा आकार का आलाप, वहां आपका ये जो जबड़ा है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। कई बार हम आलाप में जबड़े का प्रयोग करते हैं, जैसे आप अभी गायकी कर रहे थे तो आ, नहीं, ये जो चीज आपने करनी है, जो हरकत है, जो वो स्पर्श लेना है, ये गले से आ रहा है, सारा सारा गले से और दिमाग से आप उन स्वरों को खेल रहे हैं, ना कि जबड़े से उसको नहीं लाना है। ठीक है, गले से लाना है पहली चीज। दूसरी चीज, अ नहीं आना चाहिए, आ नहीं, सीधा आ। ठीक है, तो एक बार मैं करता हूं, रिपीट करना उसको और फिर मैं बताऊंगा कि कहां कहां आप वो चीजें कर रहे हो। ठीक है, ये पूरा सही गया, लेकिन यहां भी पूरा आ ही रहना चाहिए था। आपका आया आ, समझ रहे हो मुंह का साइज कैसे रिड्यूस हुआ है आपका, आ, 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 है ना, जबकि करना क्या है, आ, सेम साइज है ना। हम क्या करते हैं, आवाज को दबाने के लिए, थोड़ा उसको टोन में लाने के लिए वैसा लेते हैं, लेकिन टोन इधर से और इधर से लाइए, ना कि जबड़े को हिला के, क्योंकि उससे वो आकार नहीं रहता है, वो नहीं आना चाहिए। और जैसे कि आपको जब तक कहा ना जाए, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, एक पुशअप लेके, एक वार्म अप लेके फिर आगे बढ़ रहे हो, एक नोट पकड़ रहे हो, बोले नहीं, वो पकड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हिट करो उस नोट को,
कंसंट्रेट करो, है ना। मुंह का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपने थोड़ा सा मुंह का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो आकार से टोन बदल जाएगी आपकी। जैसे टोन बदली लास्ट में, देखना नोट करना। ये मैंने ओ की तरफ चला गया मेरा आकार, है ना। तो ये किसका फर्क पड़ रहा है, मुंह की बनावट का। तो आलाप लेते समय ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आपको गले से कैसे गायकी जा रही है, अंदर की गायकी कैसे आ रही है और मुंह का शेप क्या है, है ना। फिर अ हो गया, और जब स्टार्टिंग से आ यहां पर आए थे जब ये कर्व था तब भी वो आ आ, नोट कर रहे हो, आपकी मिस्टेक नोट करो, आ ये जा रहा है आपका डायग्राम, आ समझ रहे हो ना। ये चौड़े से कम होता है फिर बढ़ता है ना फिर कम हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, एज इट इज चला उसको। गुड, फिर से आप लोग शाबाश, वेरी गुड। वो पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं, ठीक है, इनको देखने वाली बात है। अब क्या होता है, अब एक तो आप ये सारे आलाप ले रहे हो विदाउट इस चीज के नॉलेज हुए कि इनमें कौन कौन से नोट्स लग रहे हैं, है ना। तो आप बस उनको गले से आप सुना और जस्ट एज कॉपी पेस्ट गले से निकाल दिया, है ना। जैसे आज तक करते आए हैं जितने फिल्मी सॉन्ग हम गाते हैं उनमें आप जो आलाप लेते हैं उनमें, और करा क्या है, यही किया कि जो भी आकार लिया, जो भी आलाप या जो हरकत है उसको एज इट इज हमने उतार दी। हमको नहीं मालूम उनमें नोट्स कौन कौन से लग रहे हैं, अगर नोट्स मालूम हो गए तो वो पक्के हो जाएंगे यहाँ पे, और आप जब उनको लगाओगे तो स्लो मोशन में भी करके दिखा सकते हो कि ऐसे नोट्स बता सकते हो, है ना। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने वो रटी है सारी चीजें। तो इसके नोट समझो, कीबोर्ड को दिमाग में चलाओ, फ्रेम बना लो कि हाँ ये सारे गामा पद निसा है, ये ग नी कोमल लगाते हुए अगर पानी सा ग जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, फ्रेम दिमाग में चलाओ। ये जो हम जेस्टर्स करते हैं ना हाथ के, जो आप अभी हाथ चला रहे हो या ये कर रहे हो, ये उस अनुसार होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ चला दिया, ऐसी आपने देखा होगा गाते समय हाथ चलाते तो भाई वो भी चलाते मैं भी चला लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, है ना। और एक जो मैंने आपको कही थी कि गाते समय मुस्कुराना है, लेकिन जब ऐसे कुछ शब्द बोले जा रहे हैं तब मुस्कुराहट को ऐसे कंट्रोल करो कि वो मुस्कान से आपका अल्फाज नहीं बिगड़े या आकार नहीं बिगड़े, है ना। अभी आप स्माइल तो कर रहे थे लेकिन उस स्माइल से क्या हो रहा था, आपका आकार बिगड़ गया, बिगड़ गया ना, आकार नहीं रहा वो फिर, है ना, आकार में और फिर एक्सप्रेशन लाइए ना, एक्सप्रेशन भी अच्छे आएंगे और आकार भी मेंटेन रहना चाहिए। तो मेन हमारा क्योंकि वॉइस है ना, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं या जो भी चीजें हैं, तो उन एक्शंस हैं जेस्चर्स हैं तो उनके चक्कर में हमें वॉइस को चेंज नहीं कर देना है, यानी क्योंकि उनका इफेक्ट आ रहा है ना, एक्सप्रेशन के चक्कर में हाथ पांव के चक्कर में आपकी वॉइस टेढ़ी मेढ़ी हो रही है या टोन चेंज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से करके देखेंगे और फुल एक्सप्रेशंस के साथ, लेकिन जो नोट्स हैं जो हाथ का जेस्चर है वो पहले आपका जो है वो ऊपर की तरफ है, चढ़ाव है, ये मेरा हाथ इस हिसाब से कि मैंने सप्तक को यहाँ इमेजिन कर लिया, ये सा है प है ये सा है, तो प नी सा ग रे नी प सा, ये प सा, ये हाथ भी मेरा यूं से यूं गया ना कि ये से ये, यूं ये, क्योंकि प सा ग रे नी प सा अपने आप ऐसा आ ये द न ग प सा प नि ध म ग प सा ग म प ग रे नि सा, ऐसे ये दूसरा हाथ ले लिया जब मंदिर में गए तो ये ले लिया, ऐसे जेस्चर्स हैं छोटे मोटे ऑटोमेटिक, धीरे धीरे जब वो फ्रेम सेट हो जाएगी, सब तक सेट हो जाएगा तो आ जाएगी चीज, है ना। फिर से एक बार करेंगे, है ना, आकार में और विदाउट स्टैंडिंग नोट लिए डायरेक्ट शुरू करना है।
ये हो गया। तो ये सारी चीजें हैं आकार में आपको ध्यान रखने की, कि वॉइस कैसे है, टोन कैसे है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। मुंह का रखरखाव खुलापन कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजें ध्यान रखने की।